बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपनी जीवन शैली में लाकर अपना वजन कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गलत जीवन शैली और अनियमित खान पान के कारण मोटापा की समस्या से आज के समय में अधिकांश लोग परेशान हैं। कमर और पेट के पास जमा हुई चर्बी से शरीर की बनावट खराब हो जाती है। इस समस्या से ग्रसित लोग हमेशा वजन कम करने के उपाय अजमाते रहते हैं। वजन घटाने के लिए किसी खास डाइट प्लान का होना जरूरी नहीं है। बिना किसी डाइट प्लान के आप अपनी दिनचर्या में कुछ चीजों को शामिल कर हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। आज हम आपको इसके लिए कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं। सेलिब्रिटी भी इन उपायों को इस्तेमाल में लाते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला उपाय है, सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करें। बिना किसी डाइट प्लान के वजन कम करने के लिए आप सुबह जल्दी उठ जाएं और वर्कआउट करें। हालांकि शुरुआत में आपको कुछ दिन परेशानी होगी, लेकिन आगे चलकर ये आपकी आदत बन जाएगी। एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म सही रहता है, जिससे वजन आसानी से कम हो जाएगा। हमारा दूसरा उपाय है, हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट से हमारे दिन की शुरुआत होती है। हमारा ब्रेकफास्ट कभी भी हल्का नहीं होना चाहिए। हल्का नाश्ता करने से मोटापा, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। हमारा तीसरा उपाय है, सही आहार लें। आप भोजन में जो कुछ भी खाते हैं वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होना चाहिए। खाना पकाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके भोजन में फाइबर युक्त चीजें हैं या नहीं। फाइबर से भरपूर आहार के सेवन से आंतें हमेशा हेल्दी रहेंगी। वहीं फाइबर के सेवन से पेट ज्यादा समय तक भरा रहता है और बार बार कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों, फाइबर युक्त हेल्दी आहार जरूर लें। हमारा चौथा उपाय है, कॉफी पीना है फायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, कॉफी। विशेषज्ञों के मुताबिक कॉफी पीने से मेटाबॉलिज्म सही रहता है। यह आपके दिमागी तनाव को भी दूर करता है। हालांकि कॉफी का सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कई दुष्प्रभाव भी हैं। तो दोस्तों, दिन भर में आप 1 से 3 कप कॉफी पी सकते हैं। यह आपको हानि नहीं पहुंचाएंगी। हमारा पांचवा उपाय है, स्नैक्स के बदले सेब। जी हाँ दोस्तों, सेब। अगर आप सुबह या शाम को स्नैक्स के तौर पर कुकीज खाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप सेब खाएं। अगर आप सेब खाते हैं तो आपको कुकीज से ज्यादा पोषक तत्व मिलेगा। सेब में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। तो इसलिए सेब सेवन जरूर करें। तो दोस्तों, हमारी ये टिप्स आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट्स जरूर करें। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।